अब आगे बढ़ते हैं। हरियाणा विधानसभा में मॉनसून सत्र के चौथे और आखिरी दिन आज विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने संबंधी बिल सदन में पास किया गया। वेतन 30,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। वहीं निर्वाचन क्षेत्र में भत्ता 30,000 से 60,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। कार्यालय भत्ता 10,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है और दैनिक भत्ता 1,500 से बढ़ाकर 2,000 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है और सेंचुरी अलाउंस 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है और मुफ्त यात्रा सुविधा 2,00,000 रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3,00,000 रुपए प्रतिवर्ष कर दी गई है। वही साथ ही इनेलो की तरफ से सदन में कानून व्यवस्था पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि पिछले 12 साल में हरियाणा में कानून व्यवस्था की हालत खराब रही है। कई आपराधिक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा कि हरियाणा में अपराधियों के हौसले बढ़ गए हैं, जिसका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब दिया और कहा कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में हर तरह के अपराध में कमी आई है और अपराध को कम करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपराध से जुड़े आंकड़े समेत अपने दावे का समर्थन किया। 19 महीनों में हर तरह के अपराध में कमी आई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस शासनकाल में हुए अपराध के मामलों का हवाला दिया। इसके अलावा मेवात के तावडू में हुई हत्या, मारपीट और गैंगरेप के मामले में एसआईटी के गठन की बात भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में कही।